हीट प्रोड्यूस निकालना था, राइट। ये चार्ज आ गया इनिशियली Q1 प्लस माइनस इतना ही चार्ज आएगा इस पे भी कि नहीं, राइट। अब अपन ने इसको इधर से इधर स्विच किया तो इस कैपेसिटर पे चार्ज चेंज होगा लेफ्ट वाले पे, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। रटने वाले, लेकिन ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे कि पोटेंशियल सेम हो जाए, राइट। तो यदि हम ये मान ले कि इस पे अब चार्ज है एक्स प्लस माइनस, तो इस पे चार्ज आ जाएगा वाई प्लस माइनस, जहां पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू वन। कोई डाउट? श्योर ओके। तो जहां पर एक्स डेल्टा वी क्यू इज इक्वल टू सी, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे एक्स बाय सी नॉट इज इक्वल टू वाई बाय सी। ओके, इससे हमें नए चार्जेस मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। इनिशियल एनर्जी में लिखना है, इसके तो चेंज होना नहीं, लिखने से कोई फायदा नहीं। इसकी एनर्जी थी क्यू वन स्क्वायर बाय टू सी नॉट, फाइनल एनर्जी कितनी हो गई एक्स स्क्वायर बाय टू सी नॉट प्लस वाई स्क्वायर बाय टू सी नॉट। एक्स और वाई लिख लीजिए इन टर्म्स ऑफ क्यू वन, यहां पुट कर दीजिए और इक्वेशन लिख दीजिए, इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी, वो तो जीरो ही है अब की बार, बैटरी से कोई चार्ज फ्लो हुआ होगा नहीं, इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी प्लस हीट, राइट। ये वाला वो फिर फाइनल में भी लिखेंगे कट जाएगा। चलो ओके, कुछ लोग हैं यहां पे उनकी खुशी, आरसी सर्किट राइट, या सीआर सर्किट जिसमें कैपेसिटर होता है और रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। बढ़ू मैं? ओके, इसको हमने t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन कर दिया, राइट। और चार्ज एंड करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, करिए सॉल्व। चले तो 2 मिनट, राइट। किसी टाइम t पे करंट i होगा, चार्ज q होगा, राइट। और यदि हम ऐसे केवीएल लगाएं, यहां से यहां जाएं ई माइनस आई आर, यहां से यहां जाएं माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे करके आपका केवीएल लगा के रिजल्ट आ जाएगा, राइट। इसको यदि हम समझें तो ये चार्ज इस पे है क्यू वेरिएबल, तो अपन ने पोटेंशियल लिख दिया क्यू बाय सी, राइट। कैपेसिटर मतलब उसके ऊपर पोटेंशियल होता है क्यू बाय सी, और उसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इसके आगे बहुत सारी फालतू चीजें आप रट रखते हैं और उसके वजह से खुद कंफ्यूज होते हैं। बड़े आगे तो ये बन जाएगा सी माइनस क्यू, या उधर ले जाते हैं Q माइनस सी, राइट, इज इक्वल्स टू माइनस आर डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। कोई तकलीफ? राइट। सो डी क्यू अपॉन क्यू माइनस सी इज इक्वल्स टू
माइनस डीटी बटे आर। कोई कंफ्यूजन? जीरो से टी इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, राइट। एक सी आएगा, मैं खा गया हूं कहीं पे, ठीक है। अरे टी इज इक्वल टू जीरो पे कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे? ओरिजिनली तो न्यूट्रल था कनेक्शन से पहले, राइट। फिर अपन ने इसको चालू किया टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो कितना चार्ज लिखू जीरो टाइम पे? हाँ, करेक्ट रीजन इज दिस कि करंट की वैल्यू इसलिए इनफाइनाइट नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर करंट को इनफाइनाइट करने के लिए इनफाइनाइट फील्ड चाहिए और इनफाइनाइट फील्ड अवेलेबल नहीं है। क्योंकि यदि फाइनाइट स्पेस में इनफाइनाइट फील्ड आ गई तो वो इनफाइनाइट एनर्जी आ जाएगी, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, राइट। चूंकि इनफाइनाइट एनर्जी संभव नहीं है इसलिए इनफाइनाइट फील्ड संभव नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट करंट संभव नहीं है, इसलिए अगले इंस्टेंट पे चार्ज एकाएक आ जाए जीरो टाइम के अंदर, उसके लिए इनफाइनाइट करंट चाहिए, वो संभव नहीं। इंटीग्रेट कर लीजिए। आगे बढ़े नाउ, ये इंडिकेट करेंगे तो क्यों आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट आ गया। ये उनके ग्राफ्स है, ओके। इनको अक्सर इस तरह के गलत तरीके से बात की जाती है कि जी कैपेसिटर जो है जब सर्किट ओपन करते हैं तब तो ना वो एक कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है और स्टेडी स्टेट में ना ओपन सर लू ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। ऐसी वाहियात बात हो सकता है आपने सुनी हो या कोई कहता हुआ मिल जाए कमकल आदमी, ऑलराइट। तो ये बहुत ही घटिया थॉट प्रोसेस है। मेरा मानना यह है यदि आप जीवन में कुछ भी बनने लायक हो और यदि आप तीन सर्किट एलिमेंट अपने आप में नहीं समझ सकते, रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर, तो आप मेरे हिसाब से आईटीएन कहलाने लायक नहीं हो। विच यू विल एग्री कि आईडियन मतलब कोई इंटेलिजेंट आदमी होता होगा, ऑलराइट। ऐसा नहीं कि जो जुगाड़बाजी से मास्टर ने रटा रटू के धक्के मार के पहुंचा दिया, जो पहुंच जाते बहुत सारे पहुंच भी जाते अनफॉर्चुनेटली धक्के खाकों के भी। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैपेसिटर मतलब कि एक ऐसी चीज जिसके ऊपर क्यू बाय जी का पोटेंशियल ड्रॉप होता है। टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट ई बाय आर है, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि करंट इनफाइनाइट नहीं हो पा रहा, सिंपल सी बात है। और स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है? जब चेंज होना बंद हो जाए, समझ में आ रही बात? जब चेंज होना बंद हो जाए, राइट। स्टेडी स्टेट मतलब चेंज होना बंद हो गया, चेंज होना बंद हो गया तो यहां पर आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू जीरो होगी, तभी चेंज होना बंद हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू चेंज होना बंद हो जाएगी। कब होगी? स्टडी स्टेट में, राइट। यहां पे एक और टर्म आती है टाइम कांस्टेंट, ओके, आरसी, राइट।
ये कुछ ऐसी टाइम पास चीजें है भी कि भाई 63% चार्ज कब हो जाएगा कैपेसिटर, 67% या कुछ कुछ नहीं, ऐसी फालतू सी बात है। मुद्दे की बात यह है समझने लायक कि यदि टी की वैल्यू बड़ी होगी टाइम, राइट, तो जल्दी से अचीव होता, जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाएगा हम इस तरफ पहुंचते जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो ये इस रेशियो पे डिपेंड करता है। ये रेशियो जल्दी से जल्दी दी 2, 3, 4, 5, 100 हो जाएगा तो हम उतना ज्यादा उधर पहुंचते जाएंगे, राइट। लेकिन देखा जाए तो एक कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम कितना लगता है, इनफाइनाइट। कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है कैपेसिटर को चार्ज होने में। जब कैपेसिटर को चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि जिसका टाइम कांस्टेंट छोटा है वो जल्दी चार्ज होगा। ऐसा बोला जाता है कि टाइम कांस्टेंट जिसका छोटा है वो जल्दी चार्ज होगा कंपेयर टू वो जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है। ये इसका यूज है। छोटे टाइम कांस्टेंट को बोलते हैं जल्दी चार्ज, बड़े टाइम कांस्टेंट को बोलते हैं लेट चार्ज। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या, हाँ, टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है जब टाइम इनफाइनाइट लगता है चार्ज होने में। सो प्लीज अंडरस्टैंड, हमको पूरी चार्जिंग की बात नहीं कर रहे। 99.9% चार्ज होने के बाद हमें पता पड़ेगा क्या, 99.9% चार्ज होने के बाद हमें पता पड़ेगा, हाँ, कि और चार्ज आया कि नहीं आया। सो यदि 3-4 टाइम कांस्टेंट निकल गए तो उसके बाद तो हम कह सकते हैं फुली चार्ज्ड है, सही है कि नहीं बात। तो इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट छोटा है तो उसके 2 टाइम कांस्टेंट जल्दी निकल जाएंगे तो उसको हम कह देंगे ज्यादा चार्ज, फुली चार्ज्ड हो गया, राइट। तो और कोई मतलब नहीं है टाइम कांस्टेंट का, बस इतना सा मतलब है। क्योंकि 100% चार्जिंग की बात नहीं करते हम, करते 3 टाइम कांस्टेंट, 4 टाइम कांस्टेंट, दैट इज गुड इनफ, राइट। तो ऑब्वियस जिसका टाइम कांस्टेंट छोटा है उसका 4 टाइम कांस्टेंट भी छोटा होगा और हम कह देंगे वो चार्ज, वो कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा। गॉट इट, एनी डाउट्स, श्योर, बढ़े आगे। बता दू ये सब, कुछ पूछना है? स्टेडी स्टेट का मतलब सबको समझ में आ गया?